सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू G7 असिस्ट चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या एक्वाटिका ये जो हमारा गेम है ऑफलाइन में वर्क करेगा कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल डेटा ऑफ कर देता हूँ, वाईफाई भी ऑफ है, मैं ऑफलाइन हो चुका हूँ। अब हम हमारे गेम को ओपन करते हैं। बात करेंगे हमारे इस गेम के साइज़ की, तो इसका साइज़ 190 MB के आसपास में आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर एक और चीज़ ये भी है कि गेम इंटरनेट और वाईफाई के बिना चलता है, तो एक ऑफलाइन गेम है। अब ये एक तरीके का न्यू ही गेम था, वो तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, मगर इस गेम को आए हुए अभी जो है ना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1-2 महीने या 3 महीने के अंदर में ही ये गेम लॉन्च हुआ है। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा दूँ। यहाँ ओशियन के अंदर में एक्सप्लोर करना है आपको। एक्सप्लोर करके ना आपको यहाँ पर कुछ कुछ जो टास्क या ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे ना, उनको आपको क्या करना है, मतलब जो भी आपके ऑब्जेक्टिव हैं उनको पूरा करना है इसमें। अब मुझे ऑब्जेक्टिव क्या दिया था मैं वही भूल गया हूँ, अब चेक करना पड़ेगा मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव। अभी तो कुछ भी नहीं है इधर में। ओशन ओपन वर्ल्ड तो नहीं है पूरा, क्योंकि यहाँ एक लिमिटेशंस है, यहाँ बाउंड्रीज हैं गेम में। बाकी यहाँ पर इसको होल्ड करना है, होल्ड। अब होल्ड कर तो लिया है हमने, मगर वो चीज़ समझ नहीं आ रही है, होल्ड हो नहीं रहा है। अच्छा, दबा के रखना पड़ेगा, सॉरी। तो एक तो हमने ले लिया है। अब यहाँ पर से हम बहुत सारा एक्सप्लोर करते करते एक इसको भी होल्ड करके ले लेंगे। और यहाँ हम एक तरीके से अच्छा ही काम कर रहे हैं ओशियन को, मतलब जो समंदर है या फिर समुद्र है, तो उसको हम साफ कर रहे हैं। तो तीन तो हमने कर ही लिए हैं, बस एक और कोई सा बाकी है, तो वो यहाँ पर मेरे को दिख जाएगा। तो इसको होल्ड करके रखेंगे और ये हमारा हो गया है, एंड कर दिया इस मिशन को हमने। अब नेक्स्ट हमारे पास में कुछ ऑब्जेक्टिव आएंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि लेवल वाइज ये गेम है, एंड हर लेवल का खुद का कुछ ना कुछ जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अपग्रेड्स में आपको आपके इक्विपमेंट्स या जो भी यहाँ पर लोकेशंस है, ये सारी चीज़ें आप अनलॉक करने का है फीचर या जो भी है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड एंड प्लग इन टू वायर्स, जिसमें कि हमको बोला गया है कि दो हमको वायर को प्लग करना है, तो उसके लिए हमको ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढने के लिए यहाँ पर ये रहा फाइंड, तो एक वायर को हमने पकड़ लिया है एंड दूसरा हमारे आगे ही कहीं पर हमको देखने को मिलेगा शायद, इधर में नहीं है। और ये क्योंकि ना हम मैं आगे जा भी नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे इधर ही कहीं पे देखना पड़ेगा। कनेक्ट, तो एक हमने तो वायर कर दिया है कनेक्ट, और एक और बाकी है, तो ये वाला वायर तो हो गया है। अब मुझे एक वायर और ढूंढना है। एक वायर का एरो तो दिखा रहा है हमको इधर ही कहीं पे, तो चेक करते हैं किधर है। मैं आई थिंक सो कि आगे आ गया हूँ, नहीं आगे नहीं आया हूँ, यहीं पे है। और शायद मेरा नीचे ऑक्सीजन का भी जो है ना वो देखने को मिल रहा है, आप देख पा रहे होंगे। ऑक्सीजन का है कि मीटर की किस चीज़ का है पता नहीं है। बाकी यहाँ पर ये वाला वायर भी हम होल्ड करते हैं, एंड इसको अब हमको किधर लगाना है, तो ये वाला शायद इधर कहीं लगेगा। और ये कुछ बोनस करने के लिए, एक तरीके से ओशन साफ भी करने का रहेगा बीच बीच में, तो अगर आप वो चाहें तो कर सकते हैं। एंड इसका जो है ये कहाँ मिलेगा वायर, इतने दूर नहीं जा पा रहा है, तो इधर ही कहीं इसका कनेक्शन होगा, तो वो कनेक्शन ही हमको ढूंढना पड़ेगा। और होल्ड करने का हाथ हो रहा था, वो तो कुछ और है इधर में कहीं हो तो हो, इधर में तो नहीं आ रहा है जहाँ तक लग रहा है मेरे को, वायर अब ज़्यादा दूर जाएगी नहीं, बट स्टिल है तो सही, थोड़ा चैलेंजिंग तो है गेम, मतलब बोरिंग नहीं है। और यहाँ पर कहीं तो वायर का ऑप्शन होना चाहिए जहाँ तक, हाँ ये रहा, सॉरी, तो दिख गया हमको वायर का ऑप्शन, तो यहाँ होल्ड करके इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो बाकी ये वीडियो के लिए, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए भी थैंक यू।